डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी स्थित इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने करीब 3 दिन तक छात्र छात्राओं से पूछताछ की है। 3 दिन तक चली ईडी की पूछताछ के बाद परीक्षा नियंत्रक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय खंडारी स्थित इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने करीब 3 दिन तक छात्र छात्राओं से पूछताछ की। इस दौरान आगरा के तमाम कॉलेज के बीए, एमएस और एमबीबीएस करीब 100 छात्र छात्राओं से बात की। वहीं साथ ही ईडी ने परीक्षा नियंत्रक और शिक्षकों से कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की। ईडी ने जो कॉपियां जब्त की हैं, उसमें एक विद्यार्थी के विभिन्न प्रश्न पत्रों में हैंडराइटिंग अलग अलग है। माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बच्चों से हैंडराइटिंग के संबंध में ही सवाल जवाब किया गया है। बच्चों ने कॉपियां लिखवाने के लिए किस व्यक्ति को रुपए दिए थे, इसके बारे में भी पूछा गया है। खंडारी कैंपस में 4 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय की टीम आई थी। करीब बीए एमएस की 306 कॉपियां जब्त कर अपने साथ ले गईं। कॉपियों की जांच करने के बाद ही ईडी की टीम छात्र छात्राओं से पूछताछ करने आई थी। जिन छात्र छात्राओं से पूछताछ होनी थी, कॉलेज के माध्यम से उन्हें सूचना दे दी गई थी। उसी के अनुसार छात्राएं प्रवर्तन निदेशालय की टीम के सामने हाजिर हुए। वहीं सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश से भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूछताछ की है। पिछली बार जब 4 अगस्त को टीम विश्वविद्यालय आई थी, करीब रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक परीक्षा नियंत्रक से पूछताछ की गई थी। वहीं परीक्षा के नियंत्रक के हस्ताक्षर बीए एमएस की कई कॉपियों में मिले हैं, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त किया है। ऐसे में परीक्षा नियंत्रक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।